गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज असी जनरल इंग्लिश सेकंड टर्म द चैप्टर 7 करन जा रहे हैं। साडे चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बेटा सब तो पहला ही पंजाबी विच इहदी डिटेल पढ़ लांगे। बेटा हैलन कैलन जदों 19 महीनों की सी तो उदों उस नूं बहुत तेज़ बुखार हो गया, जिस दे कारण वह अन्नी ते बोली हो गई। बेटा उन्हां दा जन्म जिहड़ा ही 1880 विच होया, तो जदों वह पैदा होए कि उन्हां दिनों विच लोक जिहड़े अन्ने ते बोलिया लोकां नाल ज़्यादा परवाह नहीं करते सी, उन्हां नूं किसे गरीब घर जां आश्रम विच भेज दिता जांदा सी। ते हुण लेखक है जिहड़ी है हैलन कैलन अपनी स्टोरी मतलब दस रही सानूं। लेखकां नूं अपने जीवन लेखका मतलब हैलन कैलन उन्होंने अपने जीवन का वह दिन याद सी जदों उसकी टीचर एनी सुलिवन उसनू मिलन आई। लेखा जड़ी है हैलन कैलन अपने टीचर दे आउन दी जड़ी खबर वो सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुंदी है। हैलन कैलन जदों 7 साल दी सी ते हजे 7 साल पूरे नहीं सी होए, हजे 3 महीने बाकी सी, ते उस समय जड़ी है उहदी जड़ी टीचर है उसनू मिलन आई। ठीक है, टीचर दे आउन दा जड़ा दिन सी बहुत जोश भरिया सी। हैलन कैलन बहुत चिंता विच सी कि उस नूं अपनी हालात जिहड़े ने स्थिति जिहड़ी उस नूं बिल्कुल उस तरह जापदी है जिवें कि एक जहाज वांगू जापदी है जिहड़ा कि किनारे तक पुज्जण दी कोशिश कर रहा सी, क्योंकि हैलन कैलन अन्नी सी बोली सी ते उहदे विच हिम्मत बहुत ज़्यादा ही, वह अपनी जिंदगी विच कुछ बनना चाहती सी। ते जदों उसने अपनी टीचर दे आउंदे पैरां दी आवाज़ सुनी तां उसने जिहड़ा ही अपना हाथ अगे वधाया, तो उन्होंने यही कि मैं जो हाथ अगे वधावगी तो उसकी मम्मी जिहड़ी है उसकी माता जिहड़ी मदर है उन्होंने फड़ लेगी। पर जो हैलन कैलन ने हाथ वधाया तो उसकी जिहड़ी टीचर है ना उन्हें उसका हाथ फड़ लिया, जिदों स्पर्श करके जिहड़ी हैलन कैलन बहुत ज़्यादा जिहड़ी है खुश हुई। अगे है कि एनी सुलिवन अगले दिन पता की होया कि उसनू हैलन कैलन अपने कमरे में लै गई, किनू जिहड़ी उहदी टीचर है ना उहनू अपने कमरे में लै गई। उसने उसनू एक गुड्डी दित्ती, ये गुड्डी जिहड़ी है परसिन जिहड़ा ही इंस्टीट्यूशन दे छोटे छोटे अन्ने बच्चों ने उस दे भेजी सी। ठीक है, हैलन जिहड़ी है हैलन कैलन जिहड़ी है कुछ समय तक तो गुड्डी नाल खेलदी रही, ते फिर मिस जिहड़ी सुलिवन है उसके हाथ उपर अपनी उंगली दे नाल, क्योंकि वह वेख वो अन्नी भी तो बोली भी उन्हें ना स्पर्श ना डोल DOLL शब्द जिहड़ा है ना उहदी फिंगर नाल उहदी हथेली ते स्पैल किया, तो वह डोल शब्द नूं सीखण विच सफल हो गई। फिर उन्हें भी पता लगे कि हाँ उन्हें डोल मैनू दित्ती है तो उहदा शब्द जिहड़ा मेरे हाथ उत्ते लिखिया है। इस तों बाद होर भी उसने बहुत सारे जिहड़े शब्द ही स्पैल किए, जैसा कि पिन हो गया, हैट हो गया, कप अते कुछ वर्ब जिवें सिट, स्टैंड, वॉक, इन्हां शब्दां नूं सीख के जिहड़ी हैलन कैलन है बहुत खुश हुई। तो उन्हूं पता लगा कि हर एक चीज़ दा जिहड़ा कोई नाम हुंदा है, मतलब इन्हां शब्दां नूं सुन के। फिर मिस सुलिवन नूं हैलन कैलन भी जिहड़ी ना एक डोल वांग ही जापी, मतलब वह भी उन्हूं डोल ही समझदी ही जिहड़ी कि उत्थों लै के आई जिहड़ी बच्चों ने बना के दित्ती ही ना वो हैलन कैलन वास्ते, तो वह भी उन्हूं जिहड़ी टीचर नूं वह भी डोल लगी तो हैलन कैलन भी डोल वांग जापी। उस तो बाद बेटा इन्हां दोनों के विच जैसे मग ते पानी शब्द नूं लैके बहुत झगड़ा होया, तो उहदी टीचर ने हैलन कैलन नूं बहुत समझाने की कोशिश की कि जिहड़ा मग है मग हुंदा ते पानी जिहड़ा पानी हुंदा वा, पर जिहड़ी हैलन कैलन दोनों शब्दों विच जिहड़ी उलझ के रह गई उहनूं बहुत ज़्यादा परेशान, उहनूं अंडरसटैंड नहीं कर पा रही कि मग की है तो पानी की है। फिर कुछ दे समय बाद जड़ा ही इन्हां टीचर ने अपना जड़ा इस टॉपिक ते गलबात करनी शुरू बंद कर छड़ी ते झगड़ा जड़ा टाल दिता, ते कुछ देर बाद फिर शुरू किया, ते जिस तो जड़ी हैलन कैलन ही उन्हूं गुस्सा आ गया ते उसने गुस्से विच जड़ी ही गुड्डी तोड़ दित्ती। गुड्डी तोड़न दा मतलब जड़ी हैलन कैलन नूं कोई दुख नहीं होया, तो पर जिहड़ी उहदी टीचर है उन्हें की किया कि टुटी हुई गुड्डी के टुकड़े जिहड़े झाड़ू नाल साफ करके एक पासे रख दिते। इस तो बाद वह दोनों वैल हाउस चलिया गया, मतलब खूह वेखन चले गया, खूह वाला घर देखन चल गया। तो जदों खूह वल ते जांदियां ने तो उत्थे एक आदमी जिहड़ा पानी कढ़ रहा हुंदा सी, फिर उहदी टीचर ने उसके हाथ जिहड़ा ही हाथ ते ना पानी की पाइप जिहड़ा थले कर दिता, तो उन्हें ठंडा ठंडा पानी उहदे हत्थां ते पै रहा सी। तो टीचर ने फिर हैलन के दूजे हाथ में जिहड़ा वाटर शब्द स्पैलिंग बना दिते, मतलब वो टीचर जिहड़ी उन्हें दसना चाहती कि पानी की चीज़ है। ठीक है, उन्हें हत्थां नाल ना उहदे दूजे हाथ ते फिंगर नाल उहदे दूजे हाथ ते ना पानी शब्द जिहड़ा ही वाटर उन्हें बना दिता, तो हैलन का पूरा ध्यान जिहड़ा ही
ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਿੜ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਟੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।